दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी बारह न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम नगर निकाय चुनाव की सीरीज शूट करेंगे, तो नगर की सरकार में आज हमारे पहले मेहमान हैं। पहले एपिसोड में कन्नौज जिले का एक कस्बा लगता है सौरिक नगर पंचायत से हमारे साथ पहले कैंडिडेट जो उम्मीदवार के रूप में इस समय उतरे हैं, उनका नाम है मुकेश गुप्ता जी। सौरिक से बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास एपिसोड में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कब से जो है इस लाइन में हैं। मैं पार्टी में 2009 से काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में। आज 2022 चल रही है। मैं बराबर पार्टी के लिए तत्पर हूं। जब भी कोई भी काम दिया जाता है मैं उसको पूर्ण करता हूं। आने वाले नगर निकाय चुनाव जो आने वाले हैं, तुम्हें लगभग आपके यहाँ से सौरिक नगर से लगभग आधा दर्जन से अधिक अध्यक्ष पद उम्मीदवार के रूप में लोग मेहनत कर रहे हैं, इस बीच आप अपने को खड़ा कहाँ पर देखते हैं? मैं अपने आप को सबसे अंतिम छोर पर खड़ा देखता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं पता है मुझे कि हम किस जगह पे हैं। जनता जब तक की नहीं चाहेगी तब तक कोई भी व्यक्ति फर्स्ट नंबर पर नहीं आ सकता है। फर्स्ट पे तभी आ सकता है जब जनता चाहेगी, और जनता के लिए जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा या जिसने अच्छा किया होगा वही फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा अपने आप। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और रही बात हमारे चुनाव की, तो चुनाव में क्या होता है कि कैंडिडेट तो बहुत आते हैं। अभी हम सुन रहे थे 10 कैंडिडेट आ चुके हैं, कोई कहता 8 आ चुके हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कैंडिडेट कोई भी लड़े लास्ट में चुनाव 2 या 3 कैंडिडेटों के बीच ही होता है। और मैं भी जानता हूँ कौन कौन हो सकते हैं, और जनता भी जानती है। जैसे आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी से 9 वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो 2009 से जुड़े हुए माफ कीजिएगा, तो क्या लगता है टिकट की संभावना किसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं मैदान में? टिकट की संभावना मुझे है, पूर्ण रूप से है। मैंने काम किया है और मुझे मिलनी भी चाहिए। जैसा कि मैंने काम किया, पार्टी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुझे दिया गया हो मैंने पूरा ना किया हो। मुझसे उन्होंने उम्मीद की होगी 100% की, मैंने उसको 110% पूरा करके दिखाया। उन्होंने जैसा आदेश मिलता रहा मैं तत्पर रहा, उस पर सभी जगह में खरा उतरा हूँ, तो मिलनी चाहिए। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा मैं आदेश का पालन करूँगा, क्योंकि पार्टी इस बार जो है हर पार्टी के नेता जो हैं हाईकमान के जो है इसमें सिंबल से भी लड़ा सकते हैं या बैनर से लड़ा सकते हैं, दोनों में से किसी एक से लड़ा सकते हैं। लेकिन अगर सिंबल मिला तो इसमें मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं, एक दो मुस्लिम प्रत्याशी भी हैं, तो उसमें ध्रुवीकरण भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जैसा कि जनता मेरे लिए देख रही है और मैंने भी देखा है जगह जगह मोहल्लों में घरों में जाके, मेरे लिए जनता तत्पर तैयार है। मुझे किसी भी वर्ग से किसी भी जाति से कोई एलर्जी नहीं कभी हुई है, ना ही मुझे कभी एलर्जी है। मैं हर समुदाय से और हर वर्ग से हर जाति से वोट मुझे मिलने वाला है। कोई ऐसी जात नहीं है जो मुझे वोट ना करे, परिणाम आपके सामने आएंगे। वार्ड 11 लगते हैं आपके सौरिक में, क्या स्थिति है? 11 वार्ड में आप घूमे होंगे, 11 वार्ड में क्या समस्याएं हैं निचले स्तर की, जो अभी तक जितने भी चेयरमैन लगातार बनते हुए आए हैं वो लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर सके? देखिए, समस्याएं तो बहुत सी रही हैं। पिछले कुछ कोरोना काल के समय भी कुछ बजट की समस्या रही है, कुछ लोगों की समस्या रही, कुछ काम नहीं हो पाए हैं। हो सकता है उनके लिए कोई समस्या रही होगी जिन्होंने काम जिस तरह से नहीं करा पाए। काम तो बहुत से छूटे हुए हैं और हर काम कराना भी संभव नहीं होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कोरोना काल में 2 साल व्यतीत हो गए थे, उस टाइम पे कुछ भी काम संभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो कराना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ मुझे आने के बाद वो काम मैं जो दिमाग में मेरे हैं वो सारे काम करूँगा, जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्थित रहूँगा, समर्पित रहूँगा। और जो काम जैसे छूटे पड़े हैं, कुछ नालियों का निर्माण है, कुछ नालियों में कचरा भरा रहता है, कुछ रोड ऐसे हैं जिसमें 1-1.5 फुट बरसात आधे घंटे भी हो जाए 1-1.5 फुट पानी भर जाता, वो पानी जैसे तैसे निकल पाता, कभी बाल्टियों से निकाला जाता है, कभी उसकी व्यवस्था की जाती है, तो समस्याएं तो बहुत सी हैं। यहाँ कोई सरकारी अस्पताल जो है उसमें भी कोई भी पेशेंट जाता है तुरंत रेफ़र किया जाता है अगर क्रिटिकल कंडीशन। यहाँ कोई सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बगल में हाईवे लगा हुआ है 500 मीटर दूरी में हमारे बगल में ही है,
उससे जब भी केसेस आते हैं तो सीधा रेफ़र होते हैं। मैंने देखा कभी तिरवा मेडिकल कॉलेज, तिरवा में भी व्यवस्था खैर कम है, वो कानपुर भेज देते हैं। यहाँ पे ट्रामा सेंटर की व्यवस्था नहीं है, जो मैं चाहता हूँ कि ट्रामा सेंटर एक खुल जाए। हो सकता है मेरे आने के बाद मैं प्रयास करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक बार ट्रामा सेंटर बन जाए यहाँ पे। माननीय विधायक जी से भी मैं कह रखा हूँ, स्वास्थ्य सेवाएँ गड़बड़ हैं, थोड़ी सी गड़बड़ है, जो मैं चाहता हूँ कि वो व्यवस्था बढ़िया हो जाए। विधायक निधि से नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन विधायक जी से कहा भी था, एक बार विधायक जी ने कहा भी, आश्वासन भी दिया था हमको, ट्रामा सेंटर यहाँ इसके हाईवे के बगल में खुलवाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका। किस कारण से नहीं हो सका भाई, जानकारी ज़्यादा मुझे नहीं है, लेकिन जब तक कि मैं कोई दायित्व पे, उच्च दायित्व पे ना पहुँचूँ, मुझे लगता है मेरी कम सुनी जाती है। शिक्षा का क्या महत्व? शिक्षा भी यहाँ सब प्राइवेट संस्थान है, कोई सरकारी संस्थान ऐसा नहीं है कि सरकारी डिग्री कॉलेज यहाँ हो। शिक्षा काफ़ी महंगी हो चुकी है, आपके भी बच्चे पढ़ने जाते होंगे, कोई ऐसा सरकारी संस्थान अभी तक इस क्षेत्र में नहीं खुल पाया है जिससे आम जन को थोड़ी राहत मिल सके पढ़ाई के मामले में और फीस के मामले में? देखिए, सरकारी संस्थान तो यहाँ इंटर कॉलेज तक है, लेकिन डिग्री कॉलेज जो कि बच्चे हमारे यहाँ से छिबरामऊ जाते हैं, फर्रुखाबाद जाते हैं, मैनपुरी जाते हैं, कोई कन्नौज जाता है, अपने यहाँ सौरिख में कोई भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है, जो मैं समझता हूँ कम से कम एक या दो खुलने चाहिए। हो सकता है मैं चुना जाऊँ, अगर तो मैं प्रयास करूँगा और बनवा के रहूँगा। आप बार बार ये कह रहे हैं कि शायद चुना जाऊँ, इतने मतलब देखिए ये जनता का विषय है, जनता मुझे चाहेगी तभी मैं चुनूँगा और जनता मेरे प्रति। लेकिन प्रत्याशी को ये तो लगता है कि हम कहीं पर तो हैं। देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे जब तक नहीं लगता है, जब तक कि जनता पूर्ण रूप से मुझे उस दिन चुन के भेज ना दे। कहने के लिए तो हम कहेंगे सारे बूट हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं, लेकिन सब नहीं होते। अगर सब होते हैं तो फिर कोई चुनाव नहीं लड़ता, वो उस निर्विरोध पहले से ही हो जाता है, उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता है फिर तो। इसलिए जब तक कि चुनाव के नतीजे ना आ जाएँ, टिकट ना मिल जाए, चुनाव ना लड़ जाए, उसके नतीजे आने के बाद ही कोई बात कह सकूंगा। जैसे एक चीज़ और ये लग रही है कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि सौरिख में बहुत से चेयरमैन हुए, मुद्दे अभी छूट गए हैं जो नहीं हो पाया है। जैसे एक समस्या सबसे बड़ी है, थाने वाला जो रोड बोला जाता है आपके, जी थाने के सामने जो रोड है उसमें अक्सर कर जो है जल भराव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें डूबने की स्थिति लगभग यहाँ तक पानी जो है 2 फुट से 3 फुट हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा वो निचले, क्या समस्या रही, निचले समस्या ये रही है कि वो निचले स्तर पे वो रोड बनाई गई है, पहले की रोड बनी है, थाना भी निचले स्तर पे ही बना हुआ है, थाने की जो फर्श है वो रोड के बराबर है। थाने की फर्श जब तक ऊंची नहीं होगी तब तक रोड की भी फर्श ऊंची नहीं होगी, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मैं चुने जाने के बाद प्रयास नहीं, मैं रिजल्ट दूंगा, उसको कम से कम 2 से 2.5 फुट सड़क को उठाऊंगा और थाने की भी फर्श से लेकर उसके कमरों तक का निर्माण 2.5 फुट लगभग ऊंचा करूंगा, चाहे भले ही भी उसके लिए मुझे विधायक जी से बात करनी पड़े या माननीय मुख्यमंत्री जी से बात। अभी तक जो नहीं हो पाया सौरिख में, अगर आप जीते, अगर जनता ने भरोसा जताया आप पर, तो क्या कुछ नया होगा? वो कुछ नया ही नहीं होगा, पूरा सौरिख का बदलाव हो जाएगा। मुझे लगता मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, 5 साल का समय दिया जाता है, मैं 1 साल में ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाऊंगा जो अभी तक पिछले 30 साल में ना हुए होंगे, वो 1 साल में करके दिखाऊंगा, वचन देता हूँ आपको। एक लास्ट सवाल ये है कि निकाय चुनाव में जो पार्टियाँ हैं जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी है, सब अपने अपने सिंबल या बैनर से लड़ा रही हैं, ये आप मानते हैं लड़ाएंगी? हाँ। तो आपकी सीधी टक्कर यहाँ पे जो समाजवादी के पार्टी के कैंडिडेट हैं, भाजपा वर्सेस सपा होगा, ऐसा उम्मीद है कुछ? हाँ, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी के ही हुए हैं। तीसरी पार्टी तो नाम मात्र की आई है, बहुजन समाज पार्टी आती है, तीसरे नंबर पर रहती है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। अब सुना है ओवैसी भी आ रहे हैं अपना निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव में ओवैसी तो नहीं आएंगे, और आएंगे तो उनका भी सामना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे किसी से उनके आने से फ़ायदा आपकी आप ही को होगा, सुनते हैं कहते हैं लोग। नहीं, हम ये नहीं कहते फ़ायदा किसका होगा, नुकसान किसका, वो तो जनता करेगी, जिसे भी फ़ायदा जनता को करना होगा वो करेगी, जिसे नुकसान करना होगा, क्योंकि जनता के पास सभी कारण होते हैं जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जनता को सब मालूम है कि कारण किसने कमियाँ की हैं और कौन मेरे लिए काम कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2009 से पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, 2022 हो गया है,
मुझे लगता है इन 13 वर्षों में मैंने जनता का दिल जीता है, और मैं सौरिक ही नहीं, मैं पूरे जनपद में कार्य कर चुका हूं। आपको बताऊं, मैं पहले सेक्टर संयोजक रहा भारतीय जनता पार्टी का, फिर मैं आज की तारीख में आज जिला सह संयोजक भाजपा का व्यापार प्रकोष्ठ का हूं। पार्टी जैसा निर्देश करती है मैं उस पर खरा उतरता हूं। उसके अलावा भी मैं सामाजिक कार्यों में कार्य करता रहता हूं। अभी राम बारात मेरे ही संयोजन से निकली, मैं कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, यहाँ के अध्यक्ष जीतू तिवारी जीतू हजेला जी रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ मैंने जनता का दिल जीता है, इसीलिए मुझे जनता बार बार बुलाती है, और मैं जनता का हर तरह से सहयोग करता हूँ। आज का ही नहीं, मैं जब से अपने आप को सक्षम समझा तब से लेकर आज तक जनता के बीच रहता हूँ। उसमें किसी भी वर्ग का कोई भी वोटर हो, मैंने देखा है लोग कहते हैं मुस्लिम का वोट नहीं मिलता, मुझे मुस्लिम का वोट बहुत मिलता है, मुझे मुस्लिमों का समर्थन मिलता है, मुझे हिंदुओं में हर जाति का समर्थन मिलता है, चाहे वो यादव हो। कुछ लोग कहते हैं यादव वो सपा के होते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे यादव वोट भी मिलेगा, मुझे बरादरी का भी वोट मिलेगा, मुझे ब्राह्मण का भी वोट मिलेगा। चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, आप जो आपका जो व्यवहार होता है उसी पर वोट, व्यवहार पे व्यवहार पर निर्भर करता है। उसके अलावा देखो पार्टी का भी वोट मिलेगा जब मैं लड़ूंगा चुनाव, उसके अलावा व्यक्तिगत वोट भी मेरा मिलेगा। उसके अलावा मैंने बताया कि मेरा हर वर्ग में, हर जाति विशेष, हर समुदाय में मेरा व्यवहार है, मैंने किसी को आज तक अपने से अलग नहीं रखा है। तो मुझे लगता है मुझे हर वर्ग का वोट मिलेगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे अभी वो वोट भी मुझे मिलेगा, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगा। और जीतूंगा ही नहीं, आपको दिखाई पड़ेगा कि आधे में वोट मेरे होंगे और आधे में बाकी सब होंगे। तो ये थे मुकेश गुप्ता जी, जो सीधे सीधे ये कह रहे थे कि इस बार जो है नगर पंचायत का वो चुनाव लड़ेंगे सौरिक से। उनका साफ साफ तौर पे कहना है कि जनता भरोसा, देखिए काम तो सभी ने किए हैं, कोई भी चेयरमैन आया गया, इसी बीच में कुछ कैंडिडेट और हैं जैसे तौसीफ़ यूसुफ हुए, तार हुसैन लल्ला बाबू हुए, उसके बाद मुकेश गुप्ता जी स्वयं और डंपी जी जो है चुनावी मैदान में कूद सकते हैं, और जो मौजूदा जो चेयरमैन हैं वो भी चुनावी मैदान में, बहुत सारे कैंडिडेट, आधे दर्जन से अधिक कैंडिडेट होंगे। सीधी में उनसे आपकी बात कराऊंगा, जैसे आज इस कड़ी में मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ थे, ऐसे ही जितने मैंने नाम आपको बताए डी भारत के मंच पर बहुत जल्द आपके सामने होंगे। अब फैसला आपको करना है कि काम किसका अच्छा लगा, व्यक्ति कौन सा अच्छा है जो हमारी शिक्षा के लिए काम कर सके, हमारी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है, फीस के लिए कौन काम कर सके, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, उसके बाद तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जो नगर पंचायत में होती हैं, वो उन्हें कौन दूर भलीभांत कर सकता है, या जिन्होंने किया है जनता उसे ही चुनेगी। उम्मीद है चलिए अगली कड़ी में अगले नेता के पास चलेंगे, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। आप देखते रहिए नगर की सरकार डी भारत पर।